हे गाइस हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी एंड वेलकम टू शॉर्ट रिव्यू सीरीज़, जहाँ मैं शेयर करती हूँ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रिव्यू विद इन 3 मिनट्स। आज मैंने ये ब्यूटीफुल सा साड़ी पहना है और ये एक क्रॉप टॉप के साथ है। तो अगर आप ये जो मेरा फुल लुक है इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूँगी। ये मैंने अमेज़न से परचेज़ किया है। तो मैं सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में शेयर करूंगी अबाउट दिस फेस वॉश फ्रॉम वाओ स्किन साइंस। ये है वाओ स्किन साइंस विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश विथ बिल्ट इन ब्रश। इसके कई सारे और पैकेजिंग ऑप्शंस भी है, जैसे इसमें ना एक पेपर बैग पैकेजिंग भी है जो कि बिल्कुल भी प्लास्टिक को यूज़ नहीं करता। तो अगर आप चाहते हैं तो उस पैकेजिंग के जो विटामिन सी फेस वॉश है उसे भी ट्राई कर सकते हैं। बट द फेस वॉश इज़ क्वाइट सिमिलर। ये फोमिंग फेस वॉश है इसीलिए इसके साथ ये बिल्ट इन ब्रश फीचर आता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ इसके बारे में डिटेल में रिव्यू शेयर करूंगी। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो आप वाओ ऐप से परचेज कर सकते हैं, उनके वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नाइका, पर्पल, कई सारे और वेबसाइट में भी ये जो फेस वॉश है या फिर वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट द पैकेजिंग। बिल्ट इन ब्रश फीचर मुझे अच्छा लगता है बट कभी कभार ही मैं सिर्फ ये बिल्ट इन ब्रश वाला फीचर इस्तेमाल करती हूँ, वो भी सिर्फ चिन एरिया पर और नोज के साइड्स में। मैं पूरे फेस पर इससे रब नहीं करती जनरली, क्योंकि मेरी फेस इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है और इसमें ना सिलिकॉन ब्रिसल्स है विच आर सॉफ्ट, बट स्टिल वो डेली बेसिस पर अगर 2-3 बार आप फेस पर इससे रब करेंगे तो माइक्रो कट्स हो सकते हैं जिससे रैशेस की प्रॉब्लम आ सकते हैं इफ़ योर स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव। आई थिंक फॉर मेन दिस बिल्ट इन ब्रश फीचर विल वर्क वंडर्स, क्योंकि ये आपकी स्किन से जो भी मिट्टी है, डेड स्किन सेल्स है, इम्प्योरिटीज़ है, उसे दूर करेगा बहुत इजी तरीके से। सो आई थिंक ये किसी के लिए एडवांटेज हो सकते हैं, किसी के लिए डिसएडवांटेज, बट आपको अपनी तरह से इसे इस्तेमाल करना है। जस्ट मैं इसे वीकली ट्वाइस इस बिल्ट इन ब्रश फीचर के साथ इस्तेमाल करती हूँ अपने नोज़ के चारों और चिन एरिया पर, बस हो जाता है। और मैं जनरली क्या करती हूँ, इससे अपने होल फेस पर फोमिंग फेस वॉश को निकाल लेती हूँ एंड अपने फिंगर टिप से जो जैसे हम लोग नॉर्मल फेस वॉश अप्लाई करते हैं ना वैसे ही मैं अप्लाई करती हूँ। तो इन दैट वे ऑल्सो इट वर्क्स रियली वेल। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, ऑयली स्किन है, एक्नी प्रोन स्किन है, देन स्पेशली आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको विटामिन सी सूट नहीं करता देन दिस इज नॉट फॉर यू, क्योंकि इसके अंदर ना 98.7% नेचुरली डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स है, विच मीन्स इसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी है एंड इसमें 50% एक्स्ट्रा भी आपको मिलेगा। सो दैट्स एन एडवांटेज ऑल्सो। जस्ट इस फेस वॉश से ही जो रेगुलर बेसिस पर हम मेकअप करते हैं, जनरली नॉर्मल जो मेकअप करते हैं वो रिमूव हो जाता है। फेस पर कोई ब्रेकआउट्स वगैरह मैंने तो नहीं फेस किया है इसे इस्तेमाल करने के बाद। दैट्स व्हाई आई थिंक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आपके स्किन में डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है देन आप कोई विटामिन सी बेस्ड स्किन केयर रिजीम फॉलो कर सकते हैं, जिसमें ये विटामिन सी फेस वॉश ट्राई कर सकते हैं, विटामिन सी टोनर, विटामिन सी सीरम एंड देन विटामिन सी क्रीम। तो इससे आपके फेस में जो भी डार्क स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेस है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप सबको हेल्प हुई है। अगर इसी तरीके के रिव्यू वीडियोस आप देखना चाहते हैं देन मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। बाय।